शिकारी। देखा, हम बोला था ना कि गाने के मुकाबले में हम पहला इनाम मारेंगे। जाने मन, हमको मालूम था कि तुम ऐसा करके रहेगा। और तुमने वादा किया था कि हमको इनाम मिलने पर तुम हमको पप्पी करेगा। यहाँ तो पब्लिक है, हम सब के सामने पप्पी कैसे करेगा? अरे ये तो नंगा है। अच्छा सुनो, हम हाथ का पर्दा करेगा तो चलेगा। हाँ, पर्दा है तो हम इनकार क्यों करेगा? अरे तुम भी जल्दी करो, खुशी के मारे हम पागल हो जाएगा। हमको मालूम था कि तुम ऐसे ही बदमाशी करेगा। हमको ऐसा बदमाशी करने में बहुत मजा आएगा। अरे ठहरे 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 ठहरे, तुम हमारा ज्योति से दूर रहेगा। तुम्हारी ज्योति? ये तुम्हारी ज्योति है, इसका तुमको जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा तो जवाब ये कि हम ज्योति से जल्दी शादी बनाएंगे। अबे मुर्गी के, हमारे जीते जी ऐसा कभी नहीं होएगा। कभी नहीं होएगा। हम क्या करें, हमारा फादर ही ये बोला, इसलिए हम तुमसे ये बोलेगा। तुम्हारा फादर उल्लू और तुम उल्लू का पट्टा। अरे जरा हवा आने देगा। हवा आने देगा? तुम अगर ऐसा बोलेगा तो हम तुमको मारेगा मारेगा मारेगा। अबे भूतनी के, तू हमको मारेगा? हाँ। हम तुमको मार के दिखाएगा। दिखाएगा 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 दिखाएगा। अगर मेरे फादरे को पता चल गया तो उस बेचारे का हार्ट फेल हो जाएगा। ठीक 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 ठीक, जाने दो तुझ पे, जिससे मिलता मार खाता, जहाँ जाता जूते खा के चला आता है। अबे ऐसी नालायक दुगू गधी औलाद, मेरे घर में कैसे पहुंचाओगे, मेरी समझ में नहीं आता है। आई मैं समझाता हूँ, सब समझ में आ जाएगा। अब मैं जो सवाल पूछूं तुम उसका जवाब देना। तेरी ये मजाल। शेर की कोख से कौन जन्म लेता है? शेर। हाथी की कोख से कौन जन्म लेता है? हाथी। बेवकूफ की कोख से कौन जन्म लेता है? बेवकूफ। टंकटकटा, अगर मैं बेवकूफ हूँ तो आप मेरे बाप है, इसका मतलब मुझसे बड़े बेवकूफ आप है। आए आए गधे की औलाद, आई तूने मेरी नहीं अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है। आई तेरी माँ बेवकूफ थी इसलिए तू बेवकूफ पैदा हुआ है। आई लेकिन बेटा तो बाप पे जाता है। अगर कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो अपनी माँ पे जाते हैं तो उनमें से है। आई गधे के औलाद, आई कान ला इधर, इस शहर में भयंकर गुंडा है। आई जिसका नाम है शंभू। तो बोल बच्चा, तेरे को क्या चाहिए, हाथ पाँव या सर? आई लगता है मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। अब 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 भाई साहब, आप कसाई तो नहीं है, गोश्त बेचते हैं क्या? नहीं बच्चा नहीं, हम गोश्त नहीं बेचता है। देखो शंभू के पास ज्यादा लोग हाथ कटवाने के लिए आता है, या पाँव कटवाने के लिए आता है, या फिर सर कटवाने के लिए आता है। तुम बोलो तुम्हें क्या कटवाना है। अच्छा भाई साहब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे सर और पाँव कटाना है उसका आप क्या लेंगे? अब पाँव हटा दो। सर और हाथ कटाना है उसका आप क्या लेंगे? अब हाथ हटा दो। सर और पाँव कटाने का क्या लेंगे? और अगर तीनों साथ में कटाना हो उसका आप क्या लेंगे? और मुझे स्टूडेंट कंसेशन क्या देंगे? आए खामोश, मतलब की बात करो, कंसेशन मांगता है? आए बात यह शंभू दास जी, जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ एक और जलील आदमी हाथ धो के उसके पीछे पड़ गया। आप उसकी ऐसी हालत करो, ऐसी हालत करो कि वो दोबारा उसकी तरफ देख भी ना सके। समझ गया, उसको कराटे का किक चाहिए, आए या जूडो का वार चाहिए, आए या कुंग फू की फाइट चाहिए, आए या स्नेक बाइट चाहिए, आए ये सब क्या आए मालूम? नहीं ये कराटे है, ये कुंग फू। ये सब तुम्हारी मेरे लिए करनी है, उसकी करनी है। आए किसकी? राकेश की। आए राकेश की। अफ्रीका में तुम फॉरेन का गाड़ी में घूमेगा तो चलेगा, लेकिन तुम यहाँ किसी अमीर लड़की के साथ घूमेगा तो हम तुम्हारा ऐसा एक्सीडेंट करेगा कि दुनिया का कोई भी गैराज वाला तुम्हारा बॉडी का गाड़ी नहीं लेगा। समझ गया बच्चा? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हम ज्योति के बारे में बात करता है। देखो बच्चा, अगर तुम ज्योति के साथ घूमेगा, उसके साथ बात करेगा, तो हम तुम्हारा बॉडी में से सब स्पेयर पार्ट निकाल कर उसका समाधि बना देगा और फिर अपने हाथों से वहां पर ज्योति जला देगा। मैं तुम्हारी न मानूं तो तुम क्या करेगा बच्चा? मैं करूंगा।
शरीर के स्पेयर पार्ट्स अलग करने वाला था ना, अब जाकर आईने में अपनी शक्ल देख, तेरे स्पेयर पार्ट्स मैंने कैसे अलग किए, पहचानना मुश्किल हो जाएगा। आँख कौन सी है, तेरी नाक कौन सी है, तेरी आँख कौन सी है, तेरा अगला हिस्सा कौन सा है, तेरा पिछला हिस्सा कौन सा है। जहाज में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। डैडी, ये राकेश है। नमस्ते जी। नमस्ते। डैडी, एक मिनट। हाँ, चलो। मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। हाँ, बोल। मैं इस लड़की से शादी करना चाहती हूँ। कहाँ? और आप प्लीज उसे जरा ठीक से बात कीजिए। हाँ, ठीक से। हाँ, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ आपको? जाते वक्त तो बड़ा तंग कर गए थे, वापसी में ढीले पड़ गए। कोई नसों की कमजोरी है क्या? इब तक तो नहीं थी, आगे होने का डर है। बैठो। ये बताओ, तुम काम का करत हो? जी, मैं गाना गाता हूँ। गाना बजाना करते हो? का बजाते हो, सीटी या ताली? जी नहीं, मैं क्लब में गाना गाता हूँ। क्लब में? अच्छा, ये बताओ कि तुम्हार धन दौलत जायदाद कौनो जमीन? ये सब आपके पास होगा, मेरे पास तो कौड़ी भी नहीं है। वो हमार बिटिया ने हमें सब कुछ बता दिया था, हम बहुत खुश हुए। पर बात ये है कि हमरे खानदान के असूलों के अनुसार शहर से कुछ दूर पर काली पहाड़ पर नाग देवता का मंदिर है, वहां जाकर नाग देवता की पूजा करके आओ, नहीं तो ये शादी नहीं हो सकती। अजीब बात है, लोग शादी के बाद मंदिर जाते हैं, आप मुझे शादी से पहले भेज रहे हैं, और वो भी सांप के मंदिर? अरे शिव शिव जी, सांप नहीं, नाग देवता का हो, नहीं तो तुम्हारी आंखें अंधी हो जाएंगी। यहाँ अपड़िया नियोरुपेरिया मणिधन अन्य नंबित पोरे அங்கே அதாவது அப்படி இப்படி ஆஞ்சனா நான் உன்னை சும்மா விட போறதில்லை, விடன்னி கட்டிடுவே। ஜம்பு, ஈ கௌன் சி பாஷா மே படபடா கயா ஹை? யே சவுத் இந்தியன் லாங்குவேஜ் ஹை, தமிழ். வஹா கே மஷ்ஹூர் ஆக்டர் ஹை ஸ்ரீ எம் ஜி ராமச்சந்திரன், யே உன்கி பாஷா ஹை। அரே வோ தோ தீக் ஹை, பர் ஈ போல் கயா கயா ஹை, ஹம்கோ ஹிந்தி மே பதாவ். ஜாலிம், ஜல்லாத், கமீனே இன்சான், மே தேரி ஹர் சால் கோ நாகாம் கர்கே துஜே நேஸ்ட் தோ நாபூத் கர்கே ரஹுங்கா। அரே ओ बोल गया है या तू मिलावट मार के बोल रहा है? नहीं नहीं, बात क्या है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भाषा के आने में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हो ही जाता है ना। हाँ, डिफरेंस भले ही हो जाए। हाँ, डिफरेंस, लेकिन फर्क नहीं आना चाहिए। नहीं, फर्क नहीं, फर्क नहीं आना चाहिए। फर्क नहीं, मुर्गा कहाँ पतला। ओ जम्बू, वो राजेश से बोलो कि वो काली पहाड़ी पर जाकर राकेश को खत्म कर दो। चुप, खत्म कर दो। अरे बाप रे, भाई साहब, सुना है नागराज यहीं कहीं रहते हैं, बता सकते हैं कहाँ है वो? क्या शक्ल से तुम्हें मैं नागराज नहीं दिखता? तुम तो दांत निकले हुए सांप लगते हो। अबे, आज तक इस राजेश से झगड़ा मोल लेकर कोई जिंदा नहीं बचा। मैं तुझे सिर्फ ये बताने आया हूँ कि धरती राज की बेटी ज्योति का पीछा छोड़ दे और वापसी का रास्ता पकड़ ले, वरना एक पीस में आया था, तीन पीस में वापस भेज दूंगा। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम एक बिकाऊ इंसान हो और मैं सिर्फ प्यार पर भरोसा करने वाला इंसान हूं। अगर तुम मेरे प्यार के बंधन को तोड़ने आए हो तो मैं भी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
इससे पहले कि हम किसी मुसीबत में फंस जाएं, यहाँ से निकल चलिए चलिए। कहाँ ससुर जी, यहाँ क्या करत रहे? कुछ नहीं दामाद जी, हम तो यूं ही नजारा देख रहे थे। धरतीराज, मैं तेरी हर चाल को अच्छी तरह पहचानता हूँ, और एक बात कान खोल कर सुन ले, ज्योति से मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। और आज मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ज्योति मेरी होकर रहेगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब तू मेरे पांव पर गिरकर मुझसे विनती करेगा कि मैं ज्योति को अपना लूं, समझा? अब चल। छोड़ो मामा, चित्तू मारी न कहे तुले एनी वैसी ना, निनु चित्तू चेगलु नी मली इदु वंटी मुष्टी मुद नष्ट पुए शालु वैश वंटिनु मक्केलु विर गोड़ता। जागृता, जंबू ई कौन सी भाषा में गाली देकर चला गया? ये भी साउथ इंडियन भाषा है। कल तुम बोला था कि साउथ इंडियन भाषा है, इस वक्त भी बोल रहा है साउथ इंडियन भाषा है, मगर ये भाषा वो भाषा के जैसी नहीं। ये अलग है, साउथ इंडिया में बहुत सी भाषाएं होती हैं। कल तमिल बोला, आज तेलुगु बोल गया, वो हैदराबाद के श्री एंटी रामाराव है ना, ये उनकी भाषा है। अरे वो तो ठीक है, पर ये बोल क्या गया हिंदी में बताओ? बता दूं? हाँ। कुत्ते, कमीने, सुअर, बुढ़े, तेरा मुंह काला, तू मुझे रोक नहीं सकता। अरे मैं तेरी लड़की के साथ बगैर शादी किए हुए घर बसाऊंगा, उसको बच्चे दूंगा, उनको खिलौने दूंगा। यू बोल गया है या तू नमक मिर्च मसाला लगाकर बोल रहा है? नहीं, मैं क्यों बोलूंगा, ये वो ही बोल गया। चित्तू मामा, हाँ क्या है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक आते आते भाषा में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है ना। तो डिफरेंस भले ही हो जाए, लेकिन फर्क नहीं आना चाहिए। फर्क नहीं, फर्क नहीं आना चाहिए। नहीं, ये रुकोड़ हमारा बैठक ना मना, मैं कहा पर स्वामी। अरे माल पानी, हम जो कह रहे हैं पहले वो कान खोल कर सुनो। हमारी बेटी जहाज से आज ब्लैक तुम्हारे यहाँ आ रही है। हाँ, उसको रिसीव करने को गाड़ी भेज दूंगा एयरपोर्ट। अरे खाली गाड़ी भेजने से काम नहीं चलेगा। हेलो सुनो, हमारी बेटी के साथ एक लुच्चा लफंगा भी आ रहा है, वो कहा एयरपोर्ट पर ही खत्म कर दो। हाँ अच्छा ठीक है, कर दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। नाम क्या उस लौंडे का? अरे जी जी जी, उसका नाम अपनी जबान पे लाना अपनी जबान की तौहीन है। सुनो, उसके हाथ में एक लाल सूटकेस है, उसका लाल खून बहाकर उसी लाल सूटकेस में बंद करके उसको कहीं फिकवा देना, उसको जिंदा नहीं छोड़ना, समझे? Excuse me please, take this back to the car. मालपानी? हाँ मालपानी बोल रहा हूँ। खबर शुभ है या अशुभ? अरे मालपानी और अशुभ, आपकी बेटी यहाँ हिफाजत से पहुँच गई और उस लाल सूटकेस वाले को हमने खत्म कर दिया। अरे जियो मालपानी जियो, तुमने तो मेरे सर से बड़ी मुसीबत दूर कर दी। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। जम्बू, यहाँ पहुँच कर अब शांति मिली है। भारत में जो अपना दुश्मन है ना, वो तो यहाँ नहीं सकता है, और यहाँ जो अपना दुश्मन है उसका माल पानी ने दिखाने लगा दिया होगा। अरे बिल्कुल सर, सर उधर देखिए, उधर। हाय ससुर जी, इस फ्लाइट से मेरा एक दोस्त आ रहा था, उसे लेने आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे रिश्तेदार भी आ रहे। क्या बकत हो, हम तो हर रिश्तेदार हैं का? बिल्कुल, मैं आपकी बेटी का होने वाला पति हूँ, यानी आपका दामाद हूँ, और दामाद से प्यारा रिश्तेदार दुनिया में होता ही कोई नहीं। मगर तुम जिंदा कैसे हो? अरे जिंदगी लेना देना तो ऊपर वाले के हाथ में है, आपके हाथ में सिर्फ ये काम है कि अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देकर अपने हाथों से कन्यादान करो। खामोश। अरे कन्यादान करूंगा या क्रियाकर्म करूंगा, ईटू का तनक जल्दी मालूम हो जाए। अरे क्या मालूम पड़ जाएगा पिलपिले कद्दू, करना और करके दिखाना तो हम जैसे मर्दों का काम है, समझा बुढ़ाऊ? बुढ़ाऊ ये नड़ा पर्ण दे तन्ने नी उन्नो चैना कनका पर्ण दो पोड़ा टंडी दाइन माने। जम्बू, ये कौन सी जबान में जबान हिलाकर गया? ये भी साउथ इंडियन भाषा है। ना ना इंद्र सेवा भगवान, मलयालम में मैं क्या करूं? अरे पर वो जो बोला वो का मतलब का? हराम होर, कुत्ते, कमीने, तीनों एक साथ। जी वो बोला कि तू गाली दे रहा है मिलावट करके। नहीं नहीं सर जी, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक आते आते भाषा में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस भले ही हो जाए, लेकिन फर्क नहीं होना चाहिए। नहीं, फर्क नहीं, फर्क नहीं। नाना हिंद सेवा भगवान है। निकम्मे, नालायक, बेवकूफ। अरे तुम लोगों को क्या करने को बोला था और तुम लोगों ने क्या किया? जो आपने कहा वही हमने किया ना, आपने कहा लाल सूटकेस वाले को मार, तो हमने मार दिया। झूठ बोला तो किसको मारा, वो साला तो जिंदा है। अब कल ये कमबख्त जम्बू लाल सूटकेस उठाकर आए तो काई का मार डालोगे तुम? नहीं नहीं नहीं,
जब तक आप दोनों जिंदा हैं, लाल सूटकेस को उठाना तो एक तरफ, मैं उसकी तरफ देखूंगा तक नहीं मिलावट मार के। तुम एक मामूली क्लब में गाने वाले को ठिकाने ना ही लगा सके तो कौन जाने के हमारी करोड़ों की जायदाद का कहां असर कर रहे हो गए। ऐसा नहीं, हम कल अपनी आंख से देखा चाहता है कि हमारा माल ठीक ठिकाने पर लगा या नहीं। देखा ये खुसट राकेश से कितनी नफरत करता है। अब मैं कल से धरतीराज को ये बहला के रखूंगा कि मैं उसके करोड़ों की जायदाद को ठिकाने पे लगाया हुआ हूँ और तू ज्योति के करीब जाने की कोशिश कर, उसके दिल में घुसने की कोशिश कर, ताकि वो खुद अपने बाप से कहे कि मैं अगर शादी करना चाहती हूँ तो मालपानी के बेटे से, वरना पानी में डूब के जान दे दूंगी। क्या करके जान दे दूंगी? पानी में डूब के जान दे दूंगी। जा।